एवरीवन, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आई का एक इम्पोर्टेंट तरीन चैप्टर जो कि है रेटिना। ठीक है, रेटिना में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपकी आई का। एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें एरिया आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। रेटिना में कोई भी पैथोलॉजी स्टार्ट करने से पहले जरा उसकी जनरल कुछ बातें समझ लें जो कि हमें पैथोलॉजी समझने के लिए आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज रेटिना? इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल, जो मोस्ट डेवलप्ड लेयर ऑफ आई बॉल भी कंसिडर की जाती है आपकी आई की। यानी अगर मैं ऐसे करके आपकी आई बनाऊँ यूं, ठीक है, ऐसे करके ये होती है ना, तो इसमें सबसे बाहर वी हैव आगे कॉर्निया होता है, पीछे ये सारा आपका स्क्लेरा होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड लेयर हमारे पास आती है कोरोइड, जो आगे आगे फिर सिलरी बॉडी एंड देन आयरिस बन जाता है ऐसे करके। ठीक है, ये आपकी होती है सेकेंड लेयर। और इसके अंदर एक और आपकी थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है, विच इज़ द न्यूरल लेयर या नर्वस लेयर ऑफ आई बॉल, जो कि हमारे पास होती है रेटिना। ठीक है, यहाँ तक इसका अगर हम एक्सटेंट देखें तो इट स्टार्ट्स अप फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क, ये वाली जगह, ये जो जगह होती है जिसमें से आपकी ऑप्टिक नर्व बेसिकली बन के और आई से निकल के जाती है, इस एरिया को हम, इस सारे एरिया को ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। तो ऑप्टिक डिस्क से शुरू होकर ये जाती है अप टू द ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा वो पोर्शन होता है जहाँ पर आपका रेटिना खत्म हो रहा है और अंदर की तरफ से आपका सिलरी बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये रेटिना का एक्सटेंड होता है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल है, मोस्ट डेवलप्ड लेयर है, याद रखना है, और एक्सटेंड है इसका ऑप्टिक डिस्क से लेकर ओरा सेरेटा तक। ओरा सेरेटा है आपका जहाँ पर रेटिना खत्म होता है और सिलरी बॉडी शुरू होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी बात करें डेवलपमेंट की, तो दिस इट डेवलप्स फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म। बस क्योंकि हमारे पास ये डेवलपमेंट का टॉपिक नहीं है, अभी हम पढ़ने हैं अबाउट द पैथोलॉजी, हमने पढ़ना है और रेटिना के बारे में बाकी बातें करनी है, तो इसलिए डेवलपमेंट भी आपको इतना पता होना चाहिए कि न्यूरो एक्टोडर्म से बनती है आपकी। सबसे पहले एक ऑप्टिक डिस्क बनता है, फिर ऑप्टिक कप बनता है, और फिर वो इमेजिनेट होकर किस तरह से आपकी आई बन जाती है पूरी, और उसमें से आपका रेटिना। न्यूरो एक्टोडर्म का मतलब ये है कि वो वाला पोर्शन ऑफ एक्टोडर्म विच इज डिस्टेंड या विच इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरल टिश्यू जिसने बनाना हो तो उसमें से आपका रेटिना डेवलप होता है, बिकॉज रेटिना इज ऑल्सो अ टिश्यू विच इज इन्वॉल्व इन द सेंडिंग ऑफ द मैसेजेस या फिर सेंडिंग ऑफ द फाइबर्स फॉर द नर्व बंडल। ठीक है, क्योंकि आपको अभी मैं रेटिना की जब लेयर्स बताऊंगी तो उसमें एक पता चलेगा हमें कि इसकी जो आखिरी लेयर होती है उसमें एक सेल्स होती हैं गैंग्लियन सेल्स, और गैंग्लियन सेल्स के ही जो बेसिकली आपकी फाइबर्स होते हैं वो मिला के ऑप्टिक नर्व का बंडल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी सारी बातें हम डिटेल में करते हैं, उससे पहले जरा से एनाटमी को अगर हम ग्रॉसली देखें। ठीक है, अभी माइक्रोस्कोपिक एनाटमी की बात नहीं करी, मैं ग्रॉस एनाटमी की बात कर रही हूँ। तो उसमें हम रेटिना को ना कुछ पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले याद रखना कि हमारे पास जो कोरोइड है ना, ये रेटिना के बाहर का एरिया, आपको पता है कि दिस इज हाईली वैस्कुलर लेयर, ये जो आपकी कोरोइड लेयर है। कोरोइड लेयर की ड्रेनेज के लिए ना कुछ वेन्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं वॉर्टेक्स वेन्स। ठीक है, वो तकरीबन नॉर्मल लोगों में चार होती हैं, किस लेकिन वेरी कर सकती हैं, चार से लेकर आठ तक हो सकती हैं। ठीक है, और आपके पास जो वॉर्टेक्स वेन्स की ड्रेनेज का है ना, निकलने की जो साइट्स है कि कहाँ कहाँ से वो ड्रेन करके निकल रही होती हैं, वो एक्चुअली हमारी आई में से इतना क्लियरली, बिल्कुल जो आप हमारा इक्वेटर बनता है ना, बिल्कुल उसके साथ साथ से ही ड्रेन करके चारों तरफ से निकलती है। अगर ये तो मैंने साइड व्यू बनाया है ना, अगर मैं सामने से ये राउंड बॉल बनाऊं तो सपोज कर लें आपके एक इधर से निकल के जाएगी, एक इधर से निकल के जाएगी, एक इधर से और एक इधर से, तो इस तरह चारों एरिया से निकल के जाती हैं, और जो इनकी लोकेशन होती है बॉल में वो एग्जैक्टली ये वाली लोकेशन होती है जो आपके इक्वेटर की होगी। ठीक है, इक्वेटर ऐसे करके, इक्वेटर क्या होता है हमारे पास, वही ना, दो मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन करती है, दैट इज इक्वेटर। तो हमारे पास ऐसे करके ये आएगा इक्वेटर बनेगा ना, ये ऐसे करके इस तरह के, ज़ाहिर है पूरी बॉल है ना, बॉल की फॉर्म में बनाऊंगी तो इस तरह होगा, और यहाँ से बनाऊंगी तो ऐसे होगा यूं करके। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा खराब हो गया इधर से, तो हमें इस वाले इक्वेटर की जरूरत है अभी। तो बाद में ये कह रही थी कि हमारे पास जो वॉर्टेक्स वेन है वो इक्वेटर के अलॉन्ग, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकल के जाती हैं। तो हमारे पास अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इस इक्वेटर को हम रेटिनल इक्वेटर कह दें, जहाँ पर से आपकी वॉर्टेक्स वेन्स निकल के जा रही हैं, और इससे पीछे वाला जो हमारा पास रेटिना का पोर्शन है, यानी ये वाला और ये वाला, इसको हम कह दें पोस्टीरियर पोल ऑफ द रेटिना। ठीक है जी, जो रेटिनल इक्वेटर से हमारी, या फिर रेटिनल इक्वेटर को से पीछे जो वॉर्टेक्स वेन्स निकल के जा रही हैं, मतलब वॉर्टेक्स वेन्स को अगर हम लाइन ऑफ रेफरेंस कंसिडर करें तो उनसे पीछे वाला रेटिना इज योर पोस्टीरियर पोल। ठीक है जी, ये वाला आ गया। और हमारे पास जो एरिया ऑफ रेटिना, हमारे पास रेटिनल इक्वेटर और ओरा सेरेटा के दरमियान में, यानी ये वाला पोर्शन, इतना सा ये वाला पोर्शन, दिस इज नॉन एज योर पेरिफेरल रेटिना। ठीक है, वैसे तो पेरिफेरल रेटिना को भी मजीद पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हमारे लिए इतना ही पढ़ने की काफ़ी है कि हमारे पास जो इक्वेटर और ऑप्टिक डिस्क के दरमियान में है वो पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटिना है, और जो हमारे पास इक्वेटर और ओरा सेरेटा के दरमियान में है वो है पेरिफेरल रेटिना। ठीक है,
है। अच्छा उसके बाद ऑप्टिक डिस्क तो मैं आपको बता दी ऑलरेडी कि ये पोर्शन है ये वाला सारा जिसमें से ऑप्टिक नर्व के बंडल फाइबर्स निकल के जा रहे हैं, दिस इज द ऑप्टिक डिस्क। अच्छा जी ये तो होगी ग्रॉसली एनाटमी, चार बातें मैंने आपको बताई, एक मैंने इक्वेटर बताया जहाँ से वेन्स निकल के जाएंगे, एक मैंने पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटना, एक पेरिफेरल रेटना और एक ऑप्टिक डिस्क। अब आते हैं थिकनेस पे, तो थिकनेस ऑफ द रेटना जो है थोड़ी बहुत वेरी करती है ऑप्टिक डिस्क के एरिया से अगर हम देखें तो वहां से लेकर ओरा सेरेटा तक यहाँ पर होगी अगर 0.56 मिलीमीटर तो ओरा सेरेटा तक आते आते और पतली हो जाती है 0.1 मिलीमीटर हो जाती है। तो इस तरह से मतलब इसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया इसकी लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद अगर थिनेस्ट बात करें तो कहाँ पर होती है, अभी आपको मैंने आपको जब फंडोस्कोपी वगैरह भी पढ़ाई थी तो आई टोल्ड यू कि हमारे पास इस जगह पर यानी जो हमारा ये ऑप्टिक डिस्क है इसके थोड़ा सा पीछे यहाँ पर एक डिप्रेशन होती है रेटिना में, जो कि हमारे पास वो पोर्शन होता है जो डेंसली पैक्ड विद कॉन्स होता है और हमारे पास मैक्सिमम विजन का पॉइंट होता है। अभी मैं आगे फिर से इसको बात करूंगी, जिसको हमने कहा था कि दिस इज ना मैक्यूला लूटिया या फोविया सेंट्रालिस उस वक्त हमने जनरली कह दिया था। तो ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पर आपका रेटिना थिनेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेटिना की बाकी सारी लेयर्स एब्सेंट होती है और सिर्फ कॉन्स वाली लेयर जो है ना वो डोमिनेंटली प्रेजेंट होती है। अभी हम फिर से बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो बहरहाल मैंने आपको थिकनेस बताई थी तो इसलिए बाकी सारे एरिया में रेटिना की थिकनेस वेरी करती है, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है कि थिनेस्ट कहाँ पर है तो फोविया वाले एरिया में रेटिना इज थिनेस्ट, ठीक है जी। ओके अब देखते हैं जरा रेटिना में मेनली क्या दो चीज़ें आती हैं। रेटिना की जब हम लेयर्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ अगर हम आएँ तो सबसे पहले रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीछे आते आते हमारे पास बाकी सारी लेयर्स बनती है। टोटल 10 लेयर्स ऑफ रेटिना कंसिडर की जाती हैं, कुछ लोग 9 कहते हैं लेकिन दे आर लाइक 10 अगर आप कर लेंगे तो आपकी सारी की सारी कवर अप हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो 10 लेयर्स ही हैं और ये जो बाकी सारा एरिया होता है इसको हम कहते हैं सेंसरी रेटिना, ठीक है, क्योंकि ये आपकी लाइट को रिसीव करता है और उसके बाद नर्व को आगे भेजता है टूवर्ड्स योर ब्रेन। तो आगे सबसे एक लेयर है सिर्फ जो रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम की और बाकी सारी जो लेयर्स हैं वो सेंसरी रेटिना में आती हैं। अच्छा अब जो सेंसरी रेटिना है अभी आपको मैं लेयर्स भी बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से सेल्स आपने अपने जहन में रखने, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पिगमेंट एपिथीलियम, तो आपको पता है कि एक एपिथीलियम की लेयर है सिंपली जिसमें आप पिगमेंटेड होती है और जो सबसे आगे रेटिना में प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसको आप छोड़ दें। उसके बाद जो हमारे पास लाइट रिसीव करते हैं मतलब जो आपकी मेनली लाइट एनर्जी को रिसीव करते हैं वो हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं एंड दे आर आपने पहले भी जैसे पढ़े हुए हैं कॉल्ड एज रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। ये आपके वो दो तरह के हमारे सेल्स हैं जो आई में प्रेजेंट है जो रेटिना में प्रेजेंट है। अभी मैं आपको ऑर्डर अलग से बताऊंगी इन सब का, ठीक है, परेशान नहीं होना। सो हमारे पास ये वाले वो सेल्स हैं जो आपकी लाइट को रिसीव करते हैं, ठीक है। रॉड्स जो है वो डार्क लाइट में एक्टिवेट होते हैं और डार्क लाइट को रिसेप्शन का काम करते हैं और कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं और ब्राइट लाइट की रिसेप्शन का काम इनके जिम्मे होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्योंकि आपको पता है ब्राइट लाइट तो ईजिली आ जाती है आँख में और डार्क लाइट के या डिम लाइट के टाइम पर हमें आँखें ज़्यादा खोलनी पड़ती हैं काइंड ऑफ, लेकिन इसीलिए क्योंकि डार्क लाइट ज़्यादा रिसेप्शन देर से होती है तो रॉड्स हमारे पास ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट रॉड्स हैं आई गेस आई हैव एन आइडिया, यस 120 मिलियन हमारे पास रॉड्स हैं और उसके बजाय सिर्फ 6.5 मिलियन कोन्स हैं, मतलब इतना डिफरेंस है। कोन्स हमारे पास काफ़ी थोड़ी हैं और रॉड्स काफ़ी ज़्यादा, उसकी यही वजह है कि हमारे पास डार्क लाइट की रिसेप्शन जो है वो हमें ज़रा अच्छे से हो और कोई मसला ना उसको रिसीव। डार्क लाइट से मुराद है लाइक डार्क और लाइट, मैं दोनों एक साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, मतलब है कि कोई भी एरिया जहाँ पर आपको ब्राइट लाइट ना मिले, जहाँ पर डिम लाइट हो और जो डार्क एरिया हो, ठीक है। जैसे अभी आप अंधेरे में जाते हैं तो बिल्कुल ही एक लाइट नहीं होगी तब तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है बिल्कुल हल्की सी रोशनी हो, अंधेरा अंधेरा हो, तो उस वक्त फिर रॉड्स एक्टिवेट होते हैं। तो 120 मिलियन रॉड है, 6.5 मिलियन कोन्स हैं। ये एक सर्वाइवा में भी पूछते हैं और एमसीक्यूज में ये स्टेटिस्टिक्स आते हैं, सब नहीं आते होते इसलिए मैंने सारे नहीं बताए, ये याद रख रहे हैं, ठीक है। ओके एक तो ये तरह के सेल हो गए, फिर जब ये सेल रिसीव कर लेते हैं तो फिर आगे डिफरेंट सेल से कनेक्शन बनाते बनाते उसको आगे तक पहुंचाते हैं जब तक आपकी ये ऑप्टिक डिस्क तक नहीं पहुंचेगी और ऑप्टिक नर्व में नहीं आएगी, ठीक है। तो वो जो आगे कनेक्शन बनाने के लिए कुछ रास्ते में सेल्स आते हैं ना, उसमें एक आप देखेंगे कि ऐसे करके सेल्स बने होते हैं, हर सेल का जाहिर होता है न्यूक्लियस होता है जिनमें आपकी जो आपके हॉरिजॉन्टल कनेक्शन बनाने का काम करते हैं उनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स, ठीक है। एक इस तरह के होंगे, आप उनको देखेंगे कि दे मेक हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस, उनके कोई वर्टिकल कनेक्शंस नहीं बनते ज़्यादा। फिर एक आप देखेंगे ऐसे सेल्स हैं जिनके दोनों तरफ से कनेक्शन जो बना रहे हैं, जो इधर से भी मल्टीपल कनेक्शंस बना रहे हैं और अपने इधर से भी मल्टीपल कनेक्शन बना रहे हैं ऊपर नीचे की लेयर्स के साथ, इनको हम कहते हैं बायपोलर सेल्स, यानी इधर भी इनका पोल है, इधर भी इनका पोल है और ऊपर नीचे की लेयर्स के साथ ये कनेक्शंस बना रहे हैं, ठीक हो गया।
तो ये हो गया हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली चलेंगे वो हॉरिजॉन्टल हैं, जो ऊपर नीचे के लेयर्स से कनेक्शंस बनाएंगे वो हमारे बाइपोलर सेल्स हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक और तरह के सेल्स होते हैं जो कि हैं हमारे पास एमाक्राइन टाइप ऑफ सेल्स। जो एमाक्राइन सेल्स होते हैं ना वो बाइपोलर नहीं होंगे, वो आपकी किसी एक लेयर के साथ ही कनेक्शन बनाएंगे। लेकिन अगर इधर प्रेजेंट है तो सपोज वो या तो नीचे वाली लेयर से कनेक्शन बना रहे होंगे, या फिर उनका एक साइड पे अगर फाइबर होगा तो वो ऊपर वाली लेयर के साथ कनेक्शन बना रहे होगा, लाइक बाइपोलर नहीं है। तो आप इस तरह उनका पहचान लेंगे, हॉरिजॉन्टल को आपने हॉरिजॉन्टल से पहचानना है, बाइपोलर को दोनों साइड पे पोल से पहचानना है, एमाक्राइन को एक साइड पे पोल से पहचानना है। और एक आखिरी सेल होती है जो कि आपके सपोर्टिव सेल्स हैं, दे आर नॉन एज मुलर सेल्स। वैसे बड़े बड़े हैं वो, काफ़ी लंबे मतलब आपके सेल्स आपको इस तरह से नजर आएंगे, जब आप लेयर्स देखेंगे ना यू आपको पीछे पीछे बस पड़े हुए नजर आएंगे, एंड दे आर सपोर्टिव टाइप ऑफ सेल्स। तो आपको आराम से पहचाने जाते हैं अगर आपको कभी डायग्राम भी आ जाए लेबल करने के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी तो किस तरह से आपने पहचानना है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हमने बात करी रॉड्स एंड कोन्स की, इनकी तो शेप ही बिल्कुल अलग होती है ना रॉड्स एंड कोन्स की, वो भी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल की कर ली, बाइपोलर की, एमाक्राइन की, मुलर सेल्स की, और एक सेल रह गया अभी हमारे पास जो कि बेसिकली आपकी जिसकी नर्व फाइबर जिसके फाइबर्स ही आपके ऑप्टिक नर्व बना रहे होते हैं वो होते हैं हमारे पास गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। गैंग्लियन सेल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके आखिरी लेयर में होते हैं और इन्हीं के जो फाइबर्स जाते हैं ना वो सारे मिलके बनाते हैं हमारे ऑप्टिक नर्व फाइबर। तो ये बिल्कुल ये भी डिफरेंट हो जाते हैं। सिर्फ ये चार थे जिनमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, ये भी मैंने आपको बता दिए। तो इस तरह से इन सेल्स से मिलके हमारी सारी की सारी लेयर्स बनती हैं ऑफ रेटिना। और फिर जब हम लेयर्स को डिवाइड करते हैं ना तो आपने अपने जहन में एक और बात रखनी है बहुत आसान से ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और वो बात ये है कि आपने लेबल करना है तो बस इतना सा करना है कि जहाँ पर सारे सेल्स की एग्रीगेशन में सबकी सेल बॉडीज आ रही है, मतलब एक एरिया है जहाँ पर सारी सेल बॉडीज ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, तो वहाँ पर न्यूक्लियाई कितने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो उस वाली लेयर को हम न्यूक्लियर लेयर कह देते हैं। और जहाँ पर सारे सेल्स एक दूसरे से उनके फाइबर जो है कनेक्शन बना रहे हैं, सपोज ये एक लेयर है, यहाँ पर एक सेल के फाइबर्स हैं, यहाँ पर दूसरे सेल के फाइबर्स कनेक्शन बना रहे हैं, तो ये जो कनेक्शन बनाने वाली ये जो लेयर है, ठीक है, दिस वन, ये हमारे पास आ जाएगी प्लेक्सीफॉर्म लेयर। तो न्यूक्लियर लेयर एंड प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ये आपने जनरल नाम याद रखने, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम के साथ सारी लेयर्स और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ फिर से सारे सेल्स भी। अभी तक कोई मसला हो यू कैन आस्क मी, थैंक यू।